गाइस आज फाइनली बाइक वगैरह को खड़ी हुई काफ़ी टाइम हो गया, 5 से 7 दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोल्ड स्टार्ट कर लें एक बार, क्योंकि इससे क्या बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती है और साथ ही में मिट्टी भरी पड़ी है पूरी। तो मैंने सोचा इसे साफ़ करके अच्छे से और फिर कवर लगा के इसको आराम से खड़ी कर देंगे, क्योंकि अभी और 12-13 दिन पड़े हैं तो उसके अंदर इसकी हालात बुरी हो जाएगी। तो इसलिए एक बार इसको कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं और बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी तब तक इसको कुछ देर तक स्टार्ट रखेंगे। फिलहाल मैं न्यूज़ चेक कर रहा था कि आज क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे देखा मैंने कि ओवरऑल इंडिया के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 के लगभग बंदे दिल्ली से इधर उधर फैल चुके हैं, और ये आशंका भी जताई जा रही है कि वो उनमें से कुछ लोग कोरोना के पॉजिटिव हो सकते हैं। जस्ट अभी मैं चेक कर रहा था, बिल्कुल भी मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। एंड आप अभी जाके न्यूज़ चैनल पे चेक कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर उसका डिटेल मिलेगा कि क्या कुछ सीन है। सो गाइस, अगर ऐसा होता है तो वायरस इतना तेजी से फैलेगा कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लगभग 1500 के करीब पेशेंट हो चुके हैं कोरोना के। 1300 समथिंग का कुछ शायद आंकड़ा था, मेरे को प्रॉपर अभी याद नहीं है, बट 1300 से 1500 के बीच में ही है। घर से बाहर निकलते ही आप ऐसा मानिए कि हर एक दरवाज़ा, हर एक दरवाजे का हैंडल और हर एक व्यक्ति जो आपको रास्ते में मिलता है वो कोरोना से संक्रमित है। ऐसा मान के आप चलेंगे तभी इससे बचना पॉसिबल हो पाएगा। एंड ना इसके अलावा अभी फिलहाल ना घर पे एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही साधन है, एक अभी जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड सेकंड मैं जब फ्री होता हूँ तो गेम्स वगैरह खेलता हूँ, GTA 5। और कल रात को क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया ना यूट्यूब पे, उसके जस्ट बाद मैंने अपने लैपटॉप के अंदर एमुलेटर डाउनलोड करके पबजी इंस्टॉल किया, पबजी मोबाइल। तो उसके बाद उसमें कुछ एरर आ गई, तो उसको सॉर्ट आउट करते करते मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। एंड लास्ट में दोबारा से इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद फिर मन हुआ कि एक मैच तो लगा ही लेता हूँ। वो एक मैच 2 मैच में तब्दील हो गया, और खेलते खेलते मेरे को सुबह के 4 बज गए। तो 4 बजे जाके मैं सोया था कल रात। जैसे ही ये कोरोना वाला सीन ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद हम राइड पे निकलेंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह का जो सीन है उसे करके क्लियर। घर पे बैठ के जितना दिन हम बोर हुए ना, ये इस सब का हिसाब एक एक करके एक एक दिन का हिसाब हम करने वाले हैं आगे जाके। अक्सर क्या है, मेरे को वैसे बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, बट आदत डाल रहा हूँ मैं बुक्स पढ़ने की। तो एक बुक पढ़ी है मेरे पास, इसका नाम है लक्ष्य। तो इसमें से और एक टाइम मैनेजमेंट नाम की बुक है, इन दोनों का सार मैंने बना के अपने डेली लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए इस डायरी का यूज़ करता हूँ मैं रेगुलर। इसमें अपने डेली रूटीन को मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि कौन कौन से वर्क मेरे को करने हैं और पूरे दिन भर में मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, वो एक दिन पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है, 2-3 दिन से सारा कुछ गड़बड़ाया हुआ है, रात को सोने का टाइम नहीं है, सुबह उठने का टाइम नहीं है कोई। तो आज क्या है, आज दोबारा से हम अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाने वाले हैं। तो 2-3 दिन से क्या है, गेमिंग के चक्कर में ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो उस टाइम फील ही नहीं होता कि टाइम कैसे जा रहा है। कल रात का मैं बता रहा हूँ ना, पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अब जैसे जितने ज़्यादा फ्री रहते हैं तो माइंड उतना ही ज़्यादा उसकी तरफ भागता है कि गेमिंग करते हैं। और इसके अलावा भी तो कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को ना ग्रुप बना रखे हैं पबजी के नाम से, उन ग्रुप्स में ऐड कर रखा है, पूरा दिन मैसेज आते हैं कोई फ्री है क्या, आ जाओ खेलते हैं। तो उनको देख के भी थोड़ा सा मन क्या इधर उधर होता है, तो उनको भी मैं अभी म्यूट करने वाला हूँ जस्ट अभी, क्योंकि सारा दिन उनमें मैसेज आते रहते हैं, कोई ना कोई फ्री होता ही होता है। गेमिंग करना माइंड के लिए अच्छा रहता है, रिफ्रेशमेंट होता है, बट ज़्यादा हम अगर इस चीज़ में जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा गहराई में हम इसमें फंसते जाते हैं। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 दिन से शेड्यूल बिगड़ा पड़ा है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। लास्ट मैंने 27th को इसके अंदर लिखा था कि क्या कुछ करना है, और 28, 29, 30 कुछ नहीं है। आज का 1 तारीख का भी मेरा इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, तो
कल का 2 तारीख का मैं आज ही मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अभी सोच रहा था बैठा कि कल क्या क्या काम मेरे को करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क पेंडिंग पड़े हैं वो सब निपटाने हैं। मेरी ना एक हैबिट है, जो भी आप कमेंट्स वगैरह करते हैं वीडियो के नीचे, मैं उन हर एक को पढ़ता हूँ। और इंस्टा पे भी मुझे DMs वगैरह आते रहते हैं व्यूवर्स के, तो हर एक का मैं रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूँ, एंड आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो उन्हें देखकर ही मैं मोटिवेट होकर आगे की वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं वही मेरे को मोटिवेटेड रखते हैं कि मैं आगे इसी तरह इस ट्रैक पे चलता रहूँ। यार बिलीव नहीं होता कि रेगुलर हम पिछले 7 दिन से वीडियो शूट कर रहे हैं, और अब तो वीडियो बनाते बनाते ना खुद ही हैबिट सी हो गई है। डेली उठते ही माइंड में यही बात आती है कि यार व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा है। तो लगता है मुझे ये जो चैलेंज अपन ने लिया है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अपने चैनल के लिए। तो आज था हमारा Day 8, अभी पीछे 13 दिन पेंडिंग रह गए हैं। जैसे अभी मैं आपको वो टारगेट वाली चीज़ बता रहा था तो मैंने इसे सामने लगा रखा है, ठीक है, बिल्कुल सामने, इसके सामने। उधर मैं यहाँ पे मैं रात को सोता हूँ तो सुबह उठते ही मेरी नज़र यहीं पड़ती है और मुझे पहला काम यही दिखता है कि भाई साहब आज तेरे को वीडियो बना के अपलोड करना है। इतने दिन अभी रह गए हैं तो एक टारगेट मेरे माइंड में रहता है कि डेली आपको व्लॉगिंग करना है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। होप सो आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वैसे इतना कुछ करने को तो था नहीं घर पे, तो थोड़ा बहुत आपसे बातें की एंड कुछ इधर उधर के काम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल RC17 व्लॉग्स को तो कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर काफ़ी सारे इंटरेस्टेड वीडियो आने वाले हैं। अभी तो हम घर पे हैं, जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो उसके बाद हम इंटरेस्टिंग व्लॉगिंग राइड्स सब स्टार्ट कर देंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जाते जाते, एंड साथ ही साथ लाइक करके जरूर जाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।